Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए SOF International Mathematics Olympiad 2024-25 के क्लास थर्ड के क्वेश्चंस पेपर लेकर आई हूँ, साथ ही इसके हम सॉल्यूशन भी देखेंगे. टोटल क्वेश्चंस जो यहाँ पर 35 रहते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का बच्चों को दिया जाता है. क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बटे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरी डे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन. लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरी डे मैथमेटिक्स, इन सभी से 10-10 क्वेश्चंस रहते हैं और अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं. तो चलिए इसके हम क्वेश्चंस को देखते जाते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. आज हम मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग को इस वीडियो में देखेंगे, बाकी 2 सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास थर्ड मैथ 2024-25 सेट 1 से हमने ये लिया है. पहला क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से, जो कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से आपको दिखेंगे. द गिवन क्लॉक्स ऑन द टाइम ऑफ विच रीना वेंट टू प्ले द कम बैक थी, हाउ मच टाइम डिड सी प्ले. फर्स्ट वॉच में बताया जा रहा है 4:15 हो रहा है. 4:15 पे रीना जो है खेलने के लिए जाती है और 6:45 पे वापस आ जाती है. तो पूछा जा रहा है कितने घंटे वो खेलती है. तो 6:45 में से हम 4:15 को माइनस करेंगे. तो 5:50, 4 में से 1 गया 3.4, 2 hours 30 minutes. So correct answer हो गया option C, 2 hours 30 minutes. चलिए next question number 2. Which of the following cannot be formed the letter of given bet? Question क्या कहा जा रहा है, cannot be formed. इस पे हमें highlight करना है. Immediate एक word है जिससे कौन सा ऐसा word है नीचे दिए गए option में से जो नहीं बनेगा. पहला है एडमिट, सेकंड मेल्ट. मेल्ट ऑप्शंस में एल वर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल्ट. ये वर्ड से मेल्ट वर्ड नहीं बन सकता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैज टू सर्कुलर फेस एंड 1 रेक्टेंगुलर फेस. कौन सा इसमें है जिसमें 2 सर्कुलर फेस और 1 1 रेक्टेंगुलर फेस आ रहा है. ऑप्शन ए, बी, सी या डी. डी में हम देख रहे हैं ये 2 सर्कुलर आपका इधर और इधर ये फेस हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर फेस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो इन द ऑल 3 फिगर्स. यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर बताना है अगर इन तीनों फिगर में सेम रूल फॉलो किया जा रहा है तो. तो तीनों फिगर में सेम रूल फॉलो किया जा रहा है तो हमें पहले ये देखना है कि इन दोनों फिगर में क्या रूल फॉलो किया गया, उसी के आधार पे हमें यहाँ पे नंबर्स बताने हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 6 16 16 6 96 एंड 5 4 13 से इंटू करते हैं तो 65 आ रहा है. तो यहाँ पर भी हम कौन से नंबर से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 91 आएगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7. 13 7 जा 91. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली इम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट. ये जो फिगर है ये कौन से ऑप्शन में इम्बेडेड हो जाएगा पूरी तरह से. तो यहाँ पर ऑप्शन सी में चलिए देखें, यहाँ से जाके इस तरह का ये इमेज बन जाएगा, इसमें इम्बेडेड हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 6. इफ ऑल वर्बल्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड. सबसे पहले बोला जा रहा है जितने भी यहाँ पे वॉवेल लिखे गए हैं इस वर्ड में उसको हमें रिमूव कर देना है और फिर लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर का कौन सा लेटर आएगा. तो ये राइट हो गया तो इधर लेफ्ट हो गया. सबसे पहले हम वॉवेल क्या होता है ये जान लेते हैं. ए
E I O U, ये फाइव जो है वॉवल्स होते हैं, इसको हमें यहाँ पे डिलीट करना है. A E U I, इन सबको हमने रिमूव कर दिया. अब लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर हमारा S आ रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट ऑड वन आउट. ऑड वन आउट क्या है देख लेते हैं. आगे बैठने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर आपको ओलंपियाड से रिलेटेड अदर प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी. अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू. चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं. सेलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें से सबसे अलग कौन सा फिगर है. ए में देखिए ब्लू चार बॉक्स में कलर किया गया, येल्लो भी चार बॉक्स में कलर किया गया. बी ऑप्शन में ब्लू चार बॉक्स में कलर है, येल्लो भी चार बॉक्स में है. सी में हम देखते हैं ब्लू कलर चार बॉक्स में है और येल्लो भी चार बॉक्स में किया गया है. डी में ब्लू चार बॉक्स में किया गया जबकि येल्लो हमारा थ्री बॉक्स में ही किया गया. सो ऑड वन आउट ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर. ये मिरर इमेज दिया गया है, इसमें मिरर इमेज, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है. ये मिरर है, ये इमेज है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मिरर इमेज करते हैं तो वो ऑप्शंस जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो जाता है. जैसे ये इधर मूव है इसका, तो इधर मूव हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट टू राइट मिरर इमेज में हमारा ऑब्जेक्ट चेंज होता है. इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ अर्थ मीन्स क्लाउड, क्लाउड मीन्स सन एंड सन मीन्स मून, तो व्हाट देन गिव अस रेन, तो हमें रेन कौन देगा. तो रेन हमें किससे प्राप्त होता है, क्लाउड्स. क्लाउड मीन्स सन कहा जा रहा है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सिक्स टेलीस्कोप इच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन टेलीस्कोप्स. छह टेलीस्कोप का एक ग्रुप बनाना है, तो उस तरह यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनेंगे ये हमें बताना है. तो छह टेलीस्कोप का ग्रुप देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक टेलीस्कोप का ग्रुप बन गया. दूसरा 1 2 3 4 5 6, ये एक दूसरा टेलीस्कोप का ग्रुप बन गया. और तीसरा 3 एंड 3, ये 6, थ्री ग्रुप्स बन गए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन शुरू होता है. तीन हमने लॉजिकल रीजनिंग से देख चुके हैं क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयरिंग द फिल इन द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू. यहाँ पर देखना है कि क्या कहा जा रहा है. प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज 9482. 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, 100 प्लेसेस पे है, तो ये 400 हो गया. एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया. तो 400 और 0 में क्या रिलेशंस हो रहे हैं, तो 400 ग्रेटर देन 0. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ बकेट इजकल टू 3 जग एंड 1 जग इजकल टू 2 लीटर, तो देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट. क्या निकालना है, बकेट की कैपेसिटी निकालनी है. एक जग इजकल टू 2 लीटर हो रहे हैं, तो 3 जग इजकल टू 3 × 2 यानी कि 6, 6 लीटर हो रहे हैं. ये 3 जग की 6 लीटर हो रहे हैं और एक बकेट इजकल टू इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द अनसेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज. यहाँ पर अनसेडेड फ्रैक्शन बताना है कौन सा है. यहाँ पर ट्रायंगल में देखिए हाफ ऑफ भी इसको डिवाइड किया गया. तो पहले तो टोटल ट्रायंगल हम काउंट कर लेते हैं, दो दो करके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30,
32, तो यहाँ पे टोटल हो गए 32, यहाँ पे 32 हो रहे हैं ऑप्शंस में। अब ऊपर बताया जा रहा अनसेडेड पार्ट कितने हैं, तो अनसेडेड पार्ट के लिए हम चलिए इसको फिर से कर लेते हैं। ये तो 32 दो जगह है, तो इसमें से ही कोई ऑप्शन आएगा। अनसेडेड पार्ट को हम देखते हैं, अनसेडेड पार्ट फ्रैक्शन, तो ये ब्लू वाला सेडेड है तो अनसेडेड देख लेते हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो अनसेडेड पार्ट कितने हो गए 19। मैंने व्हाइट पार्ट को काउंट किया है, ब्लू हमारा सेडेड पार्ट है, तो 19 upon 32, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, पी क्यू आर, ये तीन सेट दिए गए, इसमें से कौन से ऐसे दो सेट हैं जिसमें मनी इक्वल है। अब यहाँ पर ये देखिए 10-10 के रुपीज है, सिक्के हैं, और ये 5-5 के 4 हैं, तो ये क्या हो गया 50 + 4 = 70। क्यू में भी देख लेते हैं 10 + 50 = 60, और 5 के 2 कॉइन हो गए 10, तो ये भी हो गए 70, और आर्ट्स में हो जाते हैं 20 + 20 = 40 + 10 = 50, ये 50 रुपीज़ है। तो सेम क्या बन रहा है, पी एंड क्यू, तो यहाँ कौन से इक्वल अमाउंट्स हैं, कौन से सेट में पी एंड क्यू में है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। ये एक पिक्टोग्राफ है, द गिवन पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ एनवेलप मेड बाय अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है नंबर्स ऑफ एनवेलप जिसे कि 5 फ्रेंड्स ने समर वेकेशन में बनाया था। पहला क्वेश्चन है और हर एनवेलप 25 एनवेलप को बताता है, एक एनवेलप में मतलब 25 एनवेलप है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु मेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ एनवेलप रेस्पेक्टिवली, किसने, किस बच्चे ने सबसे ज्यादा और किस बच्चे ने सबसे कम एनवेलप बनाए। ये देखिए पिक्टोग्राफ में इमेज से ही क्लियर है कि सबसे ज्यादा जो है वरुण ने बनाया और सबसे कम मानव ने बनाया, तो वरुण एंड मानव करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ एनवेलप मेड इन द, इफ द कॉस्ट ऑफ वन एनवेलप इज 5 रुपीज, एक कॉस्ट का दाम 5 रुपीज है और टोटल एनवेलप कितने हैं उसके हिसाब से इसका हमको कॉस्ट देखना है। तो सबसे पहले हम एनवेलप को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 एनवेलप है और हर एनवेलप में 25 एनवेलप है, तो 25 into 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 625। अब 625 हमारे पास टोटल एनवेलप है और एक एनवेलप का दाम 5 रुपीज़ है, तो 625 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 31, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3125, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 17। Find the missing value of given figure not drawn to scale if the total length of boundary of the figure of 24 cm, ये पूरे boundary की जो length है
वो 24 सेंटीमीटर है। जो मिसिंग नंबर है, जैसे यहाँ पे मिसिंग नंबर है, उसकी कितनी लेंथ होगी है हमें निकालना है। तो जितने भी लेंथ दिए गए हैं इस सभी को हमको प्लस कर लेना है। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 4 = 12, 12 + 4 = 16, 16 + 1 = 17, 17 + 1 = 18। तो 24 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इफ x इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑफ डिवाइडिंग 560 to 8 and y is the sum of it. Now what is the value of x and y? Question में कहा जा रहा है x जो है अगर 8 से 560 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 70 से डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है? 0। और ये 0 हमारा क्या हो रहा है? x। 0 हमारा, 0 की वैल्यू हमारी हो रही है x। नेक्स्ट स्टेप कहा जा रहा है y इज द सम ऑफ 520 + 8। y जो है की वैल्यू क्या है? 520 प्लस 8 को अगर हम सम करेंगे तो 528 आएगा। और इन दोनों ये वैल्यू हो गई y, यानी x की वैल्यू हो गई हमारा 0 और y की वैल्यू हो गई 528। अगर 0 में से 528 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, 0। किसी भी अंक में, किसी भी डिजिट से, किसी भी डिजिट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ कार्तिक एंड स्मृति इज, कार्तिक और स्मृति की हाइट हमें देखना है। हंड्रेड और इसकी हाइट जो हो रही है 80। तो 100 - 80 स्मृति की हाइट एंड कार्तिक की हाइट, ये दोनों की हाइट को हमको माइनस करना है। तो 100 - 80 = 20 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 20। ये हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग से कंप्लीट हो जाता है। अचीवर सेक्शन से हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 48 डिवाइडेड बाय हैप्पी मोजी इक्वल टू सैड मोजी। इफ हैप्पी मोजी इज द इवन नंबर and sad emoji also is the even number, then what could not be these two numbers? Could not, इसको हम highlight करते हैं, could not यहाँ पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। कहा जा रहा है अगर 48 में से happy emoji को divide किया जाता है तो भी हमें जो number प्राप्त होता है वो even number होता है। यदि हैप्पी इमोजी भी इवन नंबर है और सैड इमोजी भी इवन नंबर है तो कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट है जो नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए, सी और डी तीनों में हमारा ऑड नंबर नहीं है, सब में इवन नंबर ही आ रहा है, जबकि ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा 3 इवन नंबर नहीं आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि 3 हमारा यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है, बाकी किसी में हमारा ऑड नंबर नहीं आ रहा है, सब इवन नंबर आ रहा है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।